चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। आज आए हैं वो मिलने मुद्दतों के बाद, आज का दिन बड़ी देर के बाद आया, आज का दिन बड़ी देर के बाद आया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आई एम पिंदरपाल कौर ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिया हाई स्कूल रहीड़ा दी तरफ तो ताडा सब पेरेंट्स का तय दिलों धन्यवाद करती हाँ, स्वागत करती हाँ इतने आने के लिए, इस सैशन के जुड़न के लिए। पेरेंट्स टीचर सैशन का एक हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि इस तरह दीटिंग आ जी पहली बार हुई है। बहुत तरह देरेंट्स मीटिंग असी जो पहला भी टीचर्स के नाल कीतियां ने, पर इस तरह की पेरेंट्स मीटिंग नहीं होएगी। ये जो साढ़े स्कूल दे विच इस्लामिया हाई स्कूल रहीड़ा दे विच पहली बार जो करी गई है, इस तरह की जो सैशन ऑर्गेनाइज किया गया स्पैशली टीचर पेरेंट्स मीटिंग दी। हुण मैं साढ़े प्रिंसीपल सर तो इस सैशन की शुरुआत करन दी परमिशन मंगदी हाँ। थैंक यू सर। इस सैशन नू करवाउण दा मकसद ये सी कि चाहे एज ए पेरेंट्स चाहे एज ए टीचर्स आपां कई तरह दीआं अजिहीआं स्थितियां दा सामना करदे हां जिहड़ियां कि साडे बच्चिआं दे विच नहीं होणीआं चाहीदीआं, जां आपां कह लो कि कई तरह दीआं अजिहीआं मुश्किलां दा सामना करदे हां जिन्हां दे विच चाहे वह बच्चे दा बिहेवियर नूं लै के हो जो जां बच्चे दे स्टडी नाल रिलेटड होगे। तो आपां इह देख सकदे हां कि एजुकेशन दे सिस्टम विच वी कई तरह दीआं तब्दीलियां आ रहीआं ने, चाहे वह ऑनलाइन है चाहे वह ऑफलाइन आ, तो उहदा असर बच्चे दे बिहेवियर ते जरूर पैंदा है जी। साढ़े सैशन दे विच प्री प्राइमरी दे तीन टीचर ने जो साढ़े नाल जुड़े नेगे, जो अलग अलग टॉपिक लैके आउणगे अपनी प्रेजेंटेशन दे थ्रू, और जो उन्हां दे व्यू ने वो अपने नाल सांझे करनगे। फर्स्ट ने मिस गजाला, जिन्हां दा टॉपिक आ रोल ऑफ टीचर, एक टीचर दे तौर ते की रोल ने। सैकेंड नेगे मिस मुमताज़, जो दसणगे कि लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी मतलब खेद कूद राही बच्चे नूं किस तरह असी पढ़ा सकते हैं। लास्ट ते थर्ड ने टीचर मिस मरजीना, जो तुहाडे नाल डिस्कस करनगे कि किस तरह पेरेंट्स के तौर पर असी बच्चों के नाल किदां इनवॉल्व हो सकते हैं, उन्हां दे विच स्टडी विच किस तरह हैल्प कर सकते हैं। उन्हां दा जो टॉपिक है रोल एज ए पेरेंट्स। हुण मैं बिना समा गवाए सैशन की शुरुआत कर जा रही हाँ। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में है जिनके फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो हैं हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक, वो हैं हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। आप सारी जानते हैं कि जो टीचर ने वो बच्चे के सैकेंड पेरेंट्स होंगे ने, जो बच्चे नूं एक नवी सेध दिंदे ने जिंदगी दी, एक तरह ना बच्चे नूं त्रास देणगे। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस गजाला, प्लीज कम ऑन द डाइस टू शेयर हर व्यू रोल ऑफ एज ए टीचर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सब तो पहला मैं थोड़ा सारे का वेलकम करना चाहूँगी कि तुसी अपना इन्ना इंपॉर्टेंट टाइम कट के साढ़े बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए उरे आए हो। सो स्टार्ट करते हैं अपना अज का सैशन, जिमें कि अज आप गलबात करांगे पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस के उपर। हूँ इस चीज़ को इफेक्टिव किवें बनाना है, इफेक्टिव पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, वो डिपेंड करता आप सारिया पर कि किन्ना को खुल के आप अपने व्यूज अपने आइडियाज़ अपने सवाल एक दूजे के सामने रख लें। राइट, नैक्सट प्लीज मैम। सब तो पहले आप देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव की ने, क्यों सानू अज लोड़ महसूस हुई कि आप रूबरू होइए फेस टू फेस अज आप गलबात करिए साडे बच्चों के लिए, क्यों सानू अज ऐसा फील होया कि सानू ये मीटिंग रखनी चाहिए है, सानू अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ा ने इंपॉर्टेंट चीज़ा ने जिन्हों के उपर गलबात करनी चाहिए है, डिस्कशन करना चाहिए है। सब तो पहला टू आइडेंटिफाई देयर चाइल्ड करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सानू यही जानने की जरूरत है कि अज के टाइम के जो अपने बच्चे ने उन्होंने की स्ट्रेंथ और वीकनेस ने, किस तरीके दे नाल साडे बच्चों नूं पढ़ना अच्छा लगता है, या किहड़ी ऐसी चीज़ा ने जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन्होंने लर्निंग प्रोसैस के प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने चीज़ों के उपर अज आप गलबात करांगे। दूसरा आइडेंटिफाई क्वेश्चन पेरेंट शुड आस्क ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के बाद
जो भी थोड़े मन के सवाल हो अपने बच्चों नू लैके कि घर उन्होंने कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी के विच, या बच्चा इस तरीके नाल ही इस तरीके दे नाल ज़्यादा पढ़न पढ़ के खुश हुंदा है, या उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ से, उस सवाल अज आप फेस टू फेस गलबात करांगे, उन्होंने डिस्कस करांगे। थर्ड है डिस्कस सोशल स्किल, जिवें कि आप बच्चे की सिर्फ स्टडी नू नहीं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की गल करांगे कि बच्चा घर अपने पेरेंट्स के नाल किवें व्यतीत करता है अपना टाइम, किवें स्पेंड करता है अपने बड़ियां दे नाल किवें गलबात करता है, सलाम दुआ किवें करता है, वो अपने नेबर्स के नाल अपने गुआंढियों के नाल किवें उन्होंने नाल उन्हें टाइम स्पेंड करता है। उस तो बाद आ गया एक्सचेंज ऑफ हेल्पफुल इनफॉर्मेशन, जो इनफॉर्मेशन अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है अज के टाइम के इनफॉर्मेशन असी थोड़े नाल शेयर करांगे, तुसी अपने आइडिया साडे नाल शेयर करोगे। होम स्कूल लर्निंग कनैक्शन, स्कूल के जो बच्चा पहला ऑफलाइन क्लासिस लगदियां सी वो किवें साडे कोल टाइम बिताता सी, किवें वो पूरा दिन साडे कोल रहिंदा सी, किवें वो पढ़ता सी, ते घर अज के टाइम के घर थोड़े कोल किवें पढ़ता है वो चीज़ पर गलबात करांगे। लास्ट एक्सपैक्टेशंस, उम्मीद सानू साडे बच्चों तो साडे बच्चों के पेरेंट्स तो की उम्मीद है और थोनू साडे तो की उम्मीद है उस चीज़ पर गल करांगे। नैक्सट वन, वट आर द ड्यूटीज एंड रिसपोंसिबिलिटी ऑफ अ प्री प्राइमरी टीचर। एक प्री प्राइमरी टीचर की होंगे वो टीचर जो छोटे बच्चों को टीच करता है, जिमें नर्सरी के जी एल के जी उन्होंने टीच करने वाले टीचर्स बोलते हैं आप प्री प्राइमरी टीचर। हूँ असी एज अ प्री प्राइमरी टीचर साडे बच्चों के लिए साडी की रिसपोंसिबिलिटी है, की ड्यूटी है, वो चीज़ से आप गल करते हैं। सब तो पहला मैं पूरा का पूरा शेड्यूल थोड़े नाल डिस्कस करांगी, असी पूरा दिन अपने बच्चों के नाल किवें गुजारने हैं। स्टार्ट करते हैं असं अपनी मॉर्निंग असैम्बली तो, जिमें तुसी पिक्चर च देख सकते हो जो छोटे बच्चे ने ना वो बड़े बच्चों ना आपां पहला भी इस चीज़ से गल करते हैं कि वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर होंगे ने, वो कॉपी करके सीखते हैं, जिमें जिमें सब तो पहले जिमें नमाज पढ़ाई जाती है ना, छोटे बच्चे ने वह बड़े बच्चों देखते हैं कि वह किमें किमें एक्शन करते हैं, किस किस पोजिशन के करते हैं, अगर नमाज हो रही है तो हैंड की पोजिशन की होएगी, हाथ कदों उपर करने हैं कदों नीचे करने हैं, वो ये चीज़ों देख के कॉपी करके सीखते हैं। उस तो बाद जो तिलावत करवाई जाती है, कोई दुआ है उसका तर्जनुमा कराया जाता है, बच्चे डेली वो चीज़ में रिसाइट करते हैं, उस चीज़ में बोलते हैं तो नाल दुआ भी सीखते हैं। उस तो बाद उन्होंने एक्सरसाइज करवाई जाती है, मतलब उन्होंने फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, और एक पार्ट सब तो वधिया है कि वो एक्सरसाइज ड्यूरिंग बहुत इंजॉय करते हैं, जिमें जंपिंग हो रही है अगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, वो चीज़ों बहुत इंजॉय करते हैं, उन्होंने इदा लगता है कि एक्सरसाइज की एक गेम है, तो इस चीज़ को बहुत ही खुशी खुशी वो करते हैं। नैक्सट वन, उस तो बाद रोल ऑफ अ टीचर इन साइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर साडा की रोल है, असं अपने बच्चों के नाल की करते हैं उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सब तो पहला गल आ गई लैसन प्लैन की, असं अपना पूरा दिन एक प्लैन करके चलते हैं कि साडे बच्चों के नाल असं किवें गुजारना है, क्योंकि प्लैनिंग बहुत जरूरी होंगी है ताकि अपना जो दिन है वो एक इफेक्टिव डे हो सके, साडा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, बच्चों के लिए जो असी इन्नी मेहनत करके अपने बच्चों साडे कोल भेजते हो, बहुत उम्मीद के नाल भेजते हो कि साडा जो बच्चा है अज की नवा सीख के आएगा, तो उस चीज़ की असं प्लैनिंग करके चलते हैं कि सब तो पहले असं की करना है, एक लैसन प्लैन तैयार करना है कि कौन टॉपिक अज बच्चे पढ़ाया जाएगा, किस तरीके दे नाल पढ़ाया जाएगा, कौन-कौन मैथड यूज करके पढ़ाया जाएगा कि बच्चे वो चीज़ अच्छी तरह समझ आए। उसके अलावा असं एक प्लैनिंग करके चलते हैं कि जिमें सब तो पहला बच्चे वर्कआउट करवाया जाता है, थोड़ा जहा एक्टिव लैके आने लिए, कई बार की होंगे ना बच्चे घरों आते उन्होंने मूड नहीं होंगे पढ़न का, उन्होंने मूड होंगे हले थोड़ा जहा थोड़े अपसेट अपसेट होंगे, हूँ किमें उन्होंने साढ़े अपनी क्लासरूम के नाल जोड़ना है कि बच्चा बिल्कुल खुश हो के वो चीज़ सीखे। असं चाहते हैं जो बच्चे क्लास से एंटर हो ना वो इन्ना को खुश हो के आन कि अज असं अपने नवे फ्रेंड्स को मिलेंगे, अज असं अपने टीचर को मिलेंगे, अज असं कुछ नवा सीखांगे, उन्होंने अपने नाल जोड़ना उस चीज़ के लिए प्लैनिंग करके चलते हैं। तो असं देखते हैं कि अब सानू पूरा दिन बच्चे नाल किवें बिताना है, पहला केड़ा सब्जेक्ट कराना है, उस तो बाद जिवें कि इंग्लिश करवाता मैथ करवाता, उस तो बाद उस बच्चे नू थोड़ा जिहा फिर एक्टिवनेस लैके आने लिए ताकि बच्चा बोर ना हो, क्योंकि सानू बच्चे ते बर्डन नहीं पाना, उसनों कोई न्यू चीज़ सिखानी है, वो खुश होकर एक्टिविटी के नाल किवें किवें सीखता है इस चीज़ पर गल करांगे। एक लैसन प्लैन है जिदे भी तुसी देख सकते हो, असं हर चीज़ में एकदम प्रिपेयर करके चलते हैं डेली कि अज बच्चे नू की चीज़ा कराई जाए। फैसिलिटीज एंड लैंग्वेज रिसोर्सिज, कोई भी बच्चे ने अगर लैंग्वेज सिखानी है, अगर इंग्लिश सिखानी है, मैथ के नंबर सिखाने हैं, तो असं देखते हैं कि उसको होर कि नवे तरीके सिखाया जा सकता है। कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए जाते हैं, जिमें तुसी देखो फर्स्ट कार्ड पर एक पिक्चर बनी हुई है, नीचे वन लिखा है, बच्चे इदा रीड करते हैं कि वन ऑब्जेक्ट है और नीचे वन है। सैकेंड कार्ड पर टू आइसक्रीम्स बनी है, नीचे टू है, इदा बच्चे नवे तरीके सीखते हैं, कुछ इंट्रस्टिंग लैके सीखते हैं। तो उस तो बाद आ गया बच्चे का बिहेवियर,
with young learners, the teacher might take on the role of a parent or a friend when a young student is unwell or unhappy. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਬੋਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਵੈਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹਰ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇ ਸ਼ੀਟ, ਕਿ ਜੋ 5 to 6 ਦਿਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਰਲ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡੋਟਸ ਨੇ, 1 ਡੋਟ ਹੈ, 2 ਡੋਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ। ਰਿਸਪੋਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਲਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛਿਪਾਈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈ। ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸੇ ਕਹਿਤੀ ਬੱਚੇ ਕਾ ਖਿਲੌਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਸੇ ਕਹਿਤੀ ਬੱਚੇ ਕਾ ਖਿਲੌਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਖੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਖੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਮਿਸ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰ ਵਿਊ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਟੂ ਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਵਰ ਜੋਇਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਮ।
ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि खेड खेड विच सीखना, किस तरीके नाल असी बच्चों नू खेड खेड दे विच उन्हां नू सिखाने आ। सब तो पहला इहदी की इंपोर्टेंस आ इह जानना बहुत जरूरी है कि जिहड़ा आपां खेड खेड दे विच सीखदे आ उह किस तरह सीखदे आ और उहदी की इंपोर्टेंस आ। इंपोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन स्कूल, हुण आपां उहदे बारे जानांगे। अवर स्कूल एक्टिविटीज़, साडे स्कूल दी कुछ एक्टिविटीज़ ने जिहड़ी आपां डेली रूटीन दे विच करदे आ बच्चों के नाल करदे आ, वह मैं हुण तुहानू सारयां नू दिखाऊंगी। सब तो पहला फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की हुंदियां ने, आपां इन्हां दे की बेनीफिट्स ने उहदे बारे कुछ जानांगे। फाइन मोटर स्किल हुंदियां ने कि जिस तरह आपां बच्चों नू बिल्कुल छोटे लैवल तो आपां बच्चों नाल काम करदे आ, बच्चे अपने फिंगरस नाल कटिंग करदे आ या फिर राइट करदे आ, मूवमेंट करदे आ, छोटे छोटे उन्होंने मसल्स ने और स्ट्रोंग होंदे जाते हैं, तो इस तरह के नाल बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल पर काम किया जाता है, बच्चों दिया मसल्स न बच्चे के छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में लैके उन्होंने प्रिपेयर किया जाता है। कुछ पिक्चर्स ने जो कि साढ़े क्लास प्रोसैस दियां ने और बच्चे ब्लॉक्स दिए जाते हैं अपने स्कूल कुछ मटीरियल है इस तरीके का कि जोड़े बच्चे इन्हों के मॉडल्स वगैरह इस तरीके तैयार करते हैं। ये नाल की होंगे नैक्सट मैम, तुम देख सकते हो बच्चे अपन अलग अलग पिक्चर्स अपने मॉडल्स लैके उन्होंने क्रिएट करते अपन छोटे छोटे फिंगरस लेंदे उन्होंने बनाते और अपना माइंड है जोड़ा वो यूज़ करते प्रॉपर तरीके, फिर वो इस तरीके जोड़े चीज़ा ने क्रिएट करते। बच्चों ने बहुत अच्छे जोड़े मॉडल ने तैयार किए हैं, हूँ मैं थोड़ा दिखावगी, तुम देख सकते हो ये सारे मॉडल बच्चों ने खुद तैयार किए हुए हैं और ये उन्होंने जी अपनी स्किल है वो नज़र आ रही है, किस तरीके उन्होंने अपने हैंड्स में अपने माइंड में शार्प किया, उन्होंने क्रिएटिविटी शो हो रही है। तुम देख सकते हो सारिया पिक्चर्स के बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नवे नवे चीज़ा क्रिएट करते हैं। नैक्सट है जी क्लासरूम एक्टिविटीज़। क्लासरूम के इन चीज़ों तो इलावा फाइन मोटर स्किल तो इलावा कि एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाए ने। फस्ट है जी फस्ट पिक्चर के देख सकते हो मैथ की एक्टिविटी है, कुछ डाइस है बच्चे उन्होंने यूज़ करते हैं, किस तरीके नंबर आते हैं और एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सीखते हैं। और सैकेंड देख सकते हो बच्चों बॉल्स दिखाई जाती ने, वो सिर्फ खेलने लिए नहीं दी जा, मोस्टली की होंगे बच्चे बॉल लिखते हैं इंजॉय करते हैं बट बॉल के नाल किस तरीके खेलते हैं लर्न करते हैं वो चीज़ उन्होंने सिखाई जाती है। थर्ड है जी बैलेंस एक्टिविटी जिहड़ी कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है तालमेल रखना। नैक्सट सॉर्टिंग एक्टिविटी। सॉर्टिंग का मतलब होंगे है छांटना, बहुत सारिया चीज़ा होंदिया ने बच्चे देखते हैं कि सारिया सिमिलर लगदिया ने उन्होंने कि आ भी सेम है आ भी सेम है बट असं उन्होंने दस दें कि वह चीज़ों के पिछों किस तरह सेम सेम चीज़ा छांटते हैं लभदे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी है उन्होंने बच्चों कुछ कलर दिते जाते हैं शेप्स दिखाई जाती हैं कि आ कलर है बच्चे तुम इस तरीके शेप है इनू इस तरीके लभना है। सो बच्चे की करते अपने माइंड में सैटअप करते कि हाँ मेरे पास आ चीज़ है मैं इनू आ लभना है, तो इस तरीके बच्चों के सॉर्टिंग छांटन की जी है वो एक्टिविटी है वो बढ़िया तरीके पैदा होती है। नैक्सट है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है क्लासरूम प्रोसैस के मोस्टली की होंगे जो बच्चे एंटर होंगे तो मॉर्निंग थोड़े लेजी कई बार होंगे बच्चे थोड़े लेजी होंगे या बच्चों का मूड नहीं सैटअप होंगे तो उन्होंने इनक्रेज करने क्लास के शामिल करने उन्होंने एक्सरसाइज कराई जाती है। ये की होंगे बच्चे एक्टिव होंगे अपना अच्छे तरीके अपनी क्लास पार्टिसिपेट करते हैं फ्रैश फील करते हैं। नैक्सट है जी आर्ट एक्टिविटी। सारे बच्चों के कोई ना कोई कला जरूर होंगी है स्किल होंगी है बट उस स्किल नू किस तरीके नाल अपने बाहर कढ़ना उस कला नू किस तरीके नाल बाहर कढ़ना तो वो एक टीचर का मेन काम है। आर्ट है बच्चों के थ्रू बच्चों की आर्ट एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने स्किल नू उन्होंने हुनर नू किस तरीके नाल बाहर कढ़िया जाता ये उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाई जा। नैक्सट है जी स्टोरी टैलिंग। क्लासरूम प्रोसैस के साथ स्टोरी टैलिंग है। स्टोरी टैलिंग का मेन परपज़ होंगे है कि बच्चे ने उन्होंने अंदर बहुत सारिया गल् चल दया ने
बहुत सारे वह वर्ड ने जोड़े दसना चाहते हैं, बट की होंगे कई बार बच्चे हैजीटेशन फील करते अपने आप में कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि मैं आ गल सामने दस सका या कि मैं दसा। तो स्टोरी टैलिंग का मेन परपज़ है कि बच्चे छोटे लैवल तो अपन गलों किस तरीके दस सकते हैं और अच्छे तरीके, इस करके जो स्टोरी टैलिंग है ये प्रोसैस करवाया जाता बच्चों ताकि उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़े उन्होंने लैंग्वेज उपर काम हो। बैलेंस एक्टिविटी, बैलेंस एक्टिविटीज की होंगे बच्चों के नाल तालमेल एक दूसरे नाल बच्चे किस तरीके मिल के टीम वर्क करते हैं क्योंकि आप एक समाज के रहने आप कले नहीं रह सकते अपन एक दूसरे की जरूरत पैंती है, इस करके अपन दूसरे बच्चे नाल काम किवें करना है ये सिखाने के लिए इस तरह के कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। बच्चे अपना बॉडी बैलेंस रखते हैं एक दूसरे नाल तालमेल बनाई रखते हैं। स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, बच्चों में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है बट उसको बाहर किस तरीके लैके आना ये एक टीचर का मेन काम है। अपनी क्लासरूम की अगर आप गल करते हैं तो बच्चों को लगता है कि अगर वो क्लासरूम के अपने नाल अपने हाथों नाल बनाई हुई क्रिएटिविटी करते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये डेली उन्होंने किसी न किसी तरीके एक्टिविटियाँ करवाई जा। इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, देख सकते हो राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए बच्चों मोस्टली पेरेंट्स की एक आती है कि बच्चा जी पेंसिल नहीं पकड़ता और इसनों किमें लिखवाइए है ना, असी बच्चा पेंसिल ही नहीं फड़ते हैं तो मैं असी स्कूल दे विच की करते हैं एक बॉक्स लेने उस दे विच मिट्टी पाने तो फिंगर्स की हेल्प नाल बच्चे उसदे विच राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्लैश कार्ड दिखाया कि बच्चे राइट करो वन, तो बच्चा वन राइट करता अपनी फिंगर के नाल या टू राइट करता या अल्फाबैट्स ने और राइट करता फिंगरस के नाल, उहदे नाल की हुंदा बच्चे के जिहड़े फिंगरस ने वह मजबूत हो जाती ने, जो फिंगर का मसल्स मजबूत हो गए फिर बच्चा पेंसिल ईजीली पकड़ सकता है, तो उस तो जिहड़ा समॉल जिहड़ा अपना स्टैप है उस तो बच्चे को आप सिखावांगे। मैं इस तरीके नाल बच्चे नाल काम करती हाँ, सो पेरेंट्स नूं भी मैं यही कहांगी कि जिहड़े बच्चे नहीं लगता पेंसिल पकड़ना ईजी तो इस तरीके नाल उन्हां नूं घर विच एक्टिविटी करवाण ताकि बच्चों की राइटिंग स्किल जी इंप्रूव हो सके। नैक्सट है जी एनिमल्स रेस, तुसी पिक्चर्स दे विच देख सकते हो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। एनिमल्स रेस का मतलब की होंगे अगर आप स्टडी तो इलावा बच्चों कोई होर चीज़ों बारे नॉलेज देनी है, फॉर एग्जाम्पल अपने एनिमल्स बारे दसना तो बच्चे ने जोड़े वो किसी एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, अगर उन्होंने आप जस्ट दस देंगे एक पिक्चर दे के कि आ वाला एनिमल ये है तो ज़्यादा अच्छे तरीके नहीं समझ पाएगा, बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं तो फिर वो एनिमल्स कोई भी एनिमल्स अपनी जोड़ा है फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कैट बनता है ठीक है तो इस तरीके बनते हैं और उन्होंने लैंगुएज के उपर काम होंगे फिर उन्होंने शेप का कलर का उस चीज़ों बारे पता लगता है, फिर वो कदे नहीं भूलते जो भी कोई नाम आता कैट का तो उन्होंने माइंड च आता कैट कैट इस तरह चलती है इस तरह बोल। शेयरिंग लंच, अपने स्कूल के बच्चों ने जो लंच है इस तरीके शेयर किया जाता है ताकि ये की होंगे बच्चों बहुत सारिया जो चीज़ा ने वो ऑब्जर्व करते हैं खाने बारे पता चलता है किस तरीके एक दूसरे नाल अपने मिल वरत के खाना है ना वो सारा चीज़ा इन्हों पहला तो ही सिखाई जा। जंपिंग एक्टिविटीज मोस्टली की होंगे कि बच्चे घर जाके कहते मम्मा पापा अज असी खेल के आए हैं ना अज असी आ खेलिया अज असी आ खेलिया बट वो खेल खेल के की करते हैं खेल खेल के उन्होंने सिखाने उन्होंने तो जस्ट ऐ लगता कि असी खेल के आ गए बट वो की खेल के आए हैं और क्यों खेल के आए हैं वो चीज़ का मेन परपज है उन्होंने लर्निंग बच्चों जंपिंग थ्रू उन्होंने लर्निंग करवाई जाती है जोड़ा कि वो फुल इंजॉय करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों क्लासरूम के विच ही नहीं बिठाया जाता उन्होंने क्लासरूम तो बाहरला भी प्रोसैस दिखाया जाता आउटडोर एक्टिविटीज़ होंदिया ने जिहड़ियां कि क्लासरूम तो बाहर बच्चे करते हैं फॉर एग्जाम्पल तुसी देख सकते हो बच्चे लॉन के विच ने ग्राउंड के विच ने और इन चीज़ों तो इलावा असी बच्चों नूं होर जगह पर भी विजिट करवाने ताकि वह नवी नवी चीज़ा सीख सकन।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਆ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਿੰਗਸ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਵਿੰਗਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਟ ਹੋਮ ਮਡੀ ਗ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਸੈਂਡ ਫੀਟ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆ ਇਹ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬਚਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਟੂ ਆਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੈਡਮ ਔਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਲ ਇਨ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕਮ ਮੇਕ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ
फॉर एग्जाम्पल अपने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने जिमें एक बच्चा स्कूल तो घर जाता है ठीक है उन्होंने अपने मन के बहुत सारिया ऐसा गल् होंगे ने जो अपने पेरेंट्स के शेयर करते हैं भी मम्मा अच्छ मैंने स्कूल के एवं किया मैंने एवं लंच किया एवं अपनी एक्टिविटीज़ की ठीक है और आप पेरेंट्स को की चाहिए भी बच्चों की जो गल आप दस रहे हैं तो आप उन्होंने बड़े ध्यान सुनीए तो आप उन्होंने जो रिस्पोंस है वह भी देिए। हाँ जी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ने जो प्रोपर बोल नहीं पाते मीनस उन्होंने बोलने के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो अपन आप कुछ नहीं कर सकते बेटा तुम्हारा स्कूल डे किमें रहा अच्छे लंच किमें किया फ्रेंड्स नाल किमें रहे थोड़े कौन कौन कि मैडम आए ठीक है ये थ्रू आप की कर सकते बच्चों तो क्वेश्चन मतलब बुलवा सकते बच्चों को ताकि बच्चा अपने व्यू थोड़े ना शेयर कर लग जाए। सो इन गलों के अलावा अपन मेन जी रिस्पोंसीबिलिटी है पेरेंट्स की वो अपनी स्टडी के जिन्ना ध्यान आप होर एक्टिविटी के बच्चे स्पेंड करते हैं तो अपन स्टडी के भी उन्ना ही टाइम देना चाहिए जिमें एक बच्चे कम करने के लिए अपने पेरेंट्स की एक सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे बच्चे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उन्होंने हेल्प नहीं कर सकते ठीक है और जब तक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपना होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार वो नहीं समझ पाता जब अपने को पेरेंट्स बैठे हो गए तो ओबियसली बच्चा अपनी मुश्किल को सॉल्व आउट कर सकता ये नहीं होंदा कई बार पेरेंट्स की करते हैं बच्चों को कम कर ला देंगे उधर टीवी चल रहे हैं तो पेरेंट्स का ध्यान टीवी के बच्चों तो बच्चों मतलब वह समझने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अगर अपना पेरेंट्स का ध्यान बच्चे के बच्चे ही होगा तो वो प्रॉब्लम एट अ टाइम सॉल्व कर सकता है तो बच्चे ऑडियो के राही वीडियो के राही बच्चे जो चीज़ा लाइव देख के सीख सकते हैं वो पूरी जिंदगी कदे नहीं भूल सकते। हाँ जी उस तो बाद अगर अपने को नैक्सट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन इमोशंस बच्चों के बहुत सारे इमोशनस होंगे ने पेरेंट्स अपन एज अ टीचर होने के नाते एज अ पेरेंट्स होने के नाते बच्चों का अपन पता होना चाहिए भी बच्चे किहड़ी गल तो बहुत ज़्यादा खुश ने किस गल तो बहुत ज़्यादा एंगरी हो जाते मतलब गुस्से हो जाते हैं किस चीज़ तो उन्होंने डर लगता तो आप इन सारे मुश्किलों का सामना एक एज अ पेरेंट्स तौर पर और एक टीचर के तौर पर भी आप उन्होंने सामना कर सकते। हाँ जी नोइंग द इंटरस्ट ऑफ चिल्ड्रन थोड़े को पिक्चर के देखो इधर एक बच्चे के पेरेंट्स नाल ने और थोड़े को बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं ये फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा बुक रीड कर रहा है क्ले मॉडलिंग कर रहा है पेंटिंग कर रहा है उनके ब्लॉग्स ने डाइसिस ने कि सारे एक्टिविटीज़ ने एक बच्चे आप बहुत सारे चॉइसिस दे सकते हैं जिस तो पहले जानना हो भी साडा बच्चा किस चीज़ के ज़्यादा इंटरस्ट रख रहा है पढ़न के ज़्यादा खुश होकर पढ़ रहे हैं या क्ले मॉडलिंग ज़्यादा इंटरस्ट रख रहा है पेंटिंग रख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चॉइसिस ने ये जो आप अपने बच्चे के इंटरस्ट को जानने के लिए अपन की होना पैना एक फ्रेंडली होना पैना फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे ओकेशन से जाने बर्थडे पार्टी से जाने सेम एज जितने बच्चे होंगे तो देखा होगा अपनी शेयरिंग किमें अपनी लैंग्वेज के करते होंगे लोग मीनस अपनी जी वर्डिंग है दूसरे बच्चे सेम एज के नाल किमें शेयर करते हैं तो आप क्यों नहीं आप अपने बच्चों के फ्रेंड बन सकते कि उन्होंने चॉइसिस जान। हाँ जी अपने को आ गया क्रिएटिंग द टाइम टेबल फॉर चिल्ड्रन। हाँ जी अपन बच्चे के बचपन तो ही अपन टाइम टेबल एक क्रिएट करना चाहिए जिसे करके बच्चे अपना सारा दिन का डेली रूटीन भी सी मतलब मॉर्निंग के टाइम की करना है आफ्टरनून एंड ईवनिंग तीनों पार्ट के डिवाइड करके तुमने पिक्चर के दसिया गया कि बच्चे अपने मॉर्निंग टाइम कि रूटीन है जो डेली कर सकते हैं एंड सैकंड आफ्टरनून दोपहर के टाइम की चीज़ा करनिया ने और ईवनिंग उन्होंने की चीज़ा करनी है। अगर आप एक बच्चे टाइम टेबल के थ्रू आप उन्होंने लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे तो एक बच्चा अपने टाइम का हैबिचुअल बन जूगा ताकि आने वाली जिंदगी के उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू पता चल सके एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सके। हाँ जी उस वक्त डोंट यूज वर्ड नो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों काम करने तो रोकते हैं भी बच्चे तुम देखो पिक्चर के भी थोड़े को दिता गया मोबाइल फोन बच्चे यूज करते हैं और पेरेंट्स उन्होंने कह रहे अवॉइड कर देने भी तुम नो बच्चे मोबाइल नहीं यूज़ करना कई बार तुम देखिया कि आप खुद मोबाइल यूज़ करते होंगे पर बच्चे आप कहने मोबाइल यूज़ नहीं करना बहुत सारे अक्सर देखने के आए हैं पेरेंट्स मोबाइल फोन यूज़ करते हैं बट बच्चे रोकते हैं क्यों ना आप पहले अपने आप को रोकीए ठीक है फिर भी अपने तो बच्चा सीख के रुक सकता है फॉर एग्जाम्पल आप बच्चा फोन यूज़ करता फोन तो वह ध्यान हटाने के लिए आप कुछ पेंटिंग कुछ ब्लॉग्स दे सकते कि बच्चे आ जाओ पर पेरेंट्स भी इनवॉल्व हो सकन ताकि वह अपनी जोड़े आ फोन तो उन्होंने फोन तो अलग करके उन्होंने जोड़ा टाइम स्पेंड कर सकन। हाँ जी अटेंड पीटीएम विद टीचर
अटेंड क्योंकि हमें टीचर के नाल मेन मकसद की है एक थोड़ा पेरेंट्स का एक टीचर के नाल लिंक के आना लिंक के किमें आ सकते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत लाइटली लै लेंगे कि चलो पेरेंट्स मीटिंग ही है अगले अटेंड कर लेंगे, ये नहीं होंगे। पेरेंट्स मीटिंग का मतलब है कि एक टीचर के नाल पेरेंट्स का कम्यूनीकेशन करना कि किस चीज़ के साडा बच्चा है बहुत ज़्यादा वधिया इंप्रूवमेंट करता है, किस चीज़ के ठीक ठीक है और किस चीज़ के वीक है। तो इन चीज़ों को आप किमें मतलब अटेंड कर सकते हैं जब तक आप पीटीएम मीट अटेंड नहीं कर सकते। एक पेरेंट्स एक टीचर के नाल कम्यूनीकेट किमें करना भी साढ़े बच्चे के बारे सूँ हर एक चीज़ बारे नॉलेज पता लगे कि चीज़ जिथे कमी है असं किस बेस नाल असं पूरी कर सकते हैं, ठीक है। वो बारे पीटीएम मीट थोड़ा टीचर के थ्रू सारी इनफॉर्मेशन मिल सकती है। सो मेरे सारे पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग हो प्लीज़ मिस नहीं करनी, थोड़े बच्चे के बारे वे डिस्कस बहुत सारे होंगे जिम्मे थोड़ा टीचर डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू, मैं उम्मीद है कि तुम मेरे व्यू पसंद आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल सर, प्लीज कम ऑन द डाइस टू शेयर योर व्यू। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आवाज़ बहुत सुनी नहीं है और मैं लगे नहीं कि इतने आप काफ़ी जने बैठे हैं, तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जिवें साडे टीचर्स ने पहला बड़े खुले रूप के एक अलग तरीके का इनिशिएटिव लैके बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां ने। बहुत सारिया चीज़ा जिवें आजम सर हुण कह रहे थे कि सवाल मन दे विच पैदा हुंदे ने और असी कल और परसों पिछले 7-8 दिनों तो लगभग इस सैशन नू तैयार करने वास्ते लगे हुए थी। शायद तुसी साडा ऑब्जेक्टिव समझ गए होवोगे। साडा ऑब्जेक्टिव बल्कि तुसी भी इत्थे आए हो और सारिया का मिलकर एको एक ऑब्जेक्टिव है। मेन जिहड़ा परपज है साडा की है कि असी अपने बच्चों नू अच्छी तो अच्छी जिन्हों क्वालिटी एजुकेशन कहने वो किस तरीके नाल दे सकते हैं। सानू एक फिक्र है, और जिहड़ी फिक्र होंदी है ना मैनू ये लगता है कि जिहड़ी फिक्र होंदी है वो सिर्फ कहन दा नाम नहीं होंदी है कि असी कहता और मैनू फिक्र है। मैनू बहुत फिक्र है, दो गल्लां कहती है फिक्र है। और कई बार ये होंदा है कि भी दो बंदियां कोल जाके दो गल्लां कहती या स्कूल विच जाके दो बार जाया अटेंड करिया और मैनू लगता कि मैं अपनी फिक्र नू पूरा कर लिया, तो शायद ये नहीं होंदा। क्योंकि मैं जिन्हां दे असीं ना लोगों के नाम लेवा बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत गुजरियां ने दुनिया के, अगर आप APJ अब्दुल कलाम साहब की गल करते हैं जो साडे राष्ट्रपति भी रहे ने और मिसाइल मैन कहा जाता उन्हां नू, तो उन्होंने एक बात कही है, कहिंदे सुपने जिहड़े हुंदे ने ना वो नहीं हुंदे जिहड़े तुहानू सौंदे हुए आउंदे ने, सुपने वो हुंदे ने जिहड़े तुहानू सौण नहीं दिंदे हैगे। मेरा एक सुपना है कि मैंने वो चीज़ हासिल करनी है, मैंने एक जगह के उपर पहुँचना है। अगर वो मेरा सुपना है तो मैं उसनू करन दे वास्ते अलग तो भी मेहनत करांगा। जिन्नी जानकारी हासिल करनी चाहिए है उसनू हासिल करने वास्ते वो जानकारी हासिल करांगा ताकि मेरा वो सुपना पूरा हो जाए। उन्होंने कहते हैं सुपना, उन्होंने कहते हैं ख्वाब। लेकिन प्रॉब्लम की आ रही है, समस्या कित्थे है, शायद असी वो चीज़ में नहीं समझ रहे। समस्या ये है साड़ी भी कंडीशनिंग अजिही हुई है कि भी शायद तुसी मेरे नाल थोड़ा समझ मैं समझा पाऊँगा तुहानू ये गल, या कोशिश करांगा कि भी असी इस चीज़ को थोड़ा समझ लीए। देखो गल्लां करन दा मकसद नहीं है, असल तो यह है कि भी वो पिछे मकसद की है, असी क्यों कर रहे हैं चीज़ है ना, उस चीज़ को समझना साडा असल मकसद है, उस चीज़ को जानना असल मकसद है साडा। प्रॉब्लम इत्थे है कि अज के टाइम दे सुपने देखने बंद कर दिते गए हैं और सुपने जिहड़ा देखता है उसनू भी बंद करवा दिता जाता है। मेरा बच्चा आया, अक्सर साडे नाल हुंदी है पेरेंट्स से डिस्कशन हुंदी है इंट्रैक्शन हुंदी है कि भी बच्चा आके कहिंदा भी मैंने जी आ करना है, मैंने वो करना है।
देखो साडा समाज साडा घर साडा सारा आला दुआला कुछ अजिहा बनिया होया है कि उसकी गल सुन के कह देने अच्छा तू यही करेगा और बस ये नहीं आप कर सकते जेड़े शब्द है ना असी नहीं कर सकते या तू नहीं कर सकता असी उसकी हिम्मत न खत्म करता मारता उसके सुपने मारता उसकी ख्वाहिश न खत्म करता और हर बंदा और हर बच्चा जिंदी गल करते ना इन्ना स्ट्रोंग नहीं हुंदा कि उसके सुपने बार बार मार दिता जाए और जिंदा करी जाए वो ए पी जे अब्दुल कलाम साहब वर्गे बंदे होंगे ने राइट ब्रदर्स वर्गे होंगे ने कि भी जिन्हें जाके किसी नाल शेयर किया कि भी मैं हवा के लोहा उड़ाऊंगा वो कहता की बेवकूफानी गल कर रहे हो हवा के लोहा उड़ सकता है लेकिन उसने उसके उपर अटल रहा रिसर्च की मेहनत की कोशिश की तो अज असी हवाई जहाज देखते हैं ना कि दूर का सफर कितनी आसानी के नाल तय होता है तो क्रिएटिविटी जिन्हों असी कहने साडे सारयां दे अंदर साडे बच्चियां दे अंदर साडे अंदर बहुत भरी हुई है बस सिर्फ एक चीज़ है कि उसनों असी बाहर कढ़ना है उसनों असी बाहर लैके आना है। देखो जिहड़ा एजुकेशन लर्निंग प्रोसैस है ना उहदे विच कितना कितना एक सैटिस्फैक्शन मैं देख रहा अपने स्पैशली अपने इस ग्रुप के नाल जुड़े हुए पेरेंट्स के जो साडे स्कूल्स के नाल जुड़े हुए हैं क्योंकि असी भी इन्हां स्कूल्स विच ही पढ़ के आ रहे हैं और अज भी जुड़े हुए हैं कि भी एक ही सोच लिया जाता है कि भी टीचर का काम है उन्हें ही पढ़ाना है मेरे पेरेंट्स का काम है कि मैं बच्चे नूं स्कूल तक पहुँचा देवां बस हैरानी की बात उदों हुंदी है और कि भी कई बार की हुंदा है कि पेरेंट्स बच्चा आंदा है उसे बैग दे विच की है की नहीं है पेरेंट्स नूं कुछ नहीं पता है ना और स्कूल दे विच की चल रहा कुछ नहीं पता ये जी बी एड असी कोर्स करते हैं टीचिंग का उस बहुत सारी प्रैक्टिस होंगी साड़ी टीचिंग लर्न मतलब क्लास होंगे अंदर जाके किमें पढ़ाना है साड़ी एक प्रैक्टिस होंगी है उसी बाद भी असी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपस में सैशन करते हैं छोटे छोटे चीज़ों जानने की कोशिश करते हैं बच्चे के उपर कि चीज़ा असर पादियां ने जानने की कोशिश करते हैं एक चीज़ ये दसी जाती है जिमें आजम सर ने दसिया कि तिकोण है मतलब टीचर पेरेंट्स स्टूडेंट्स तीन ही जने मिल के फिक्रमंद होकर चल रहे हैं ना तो जी चीज़ सोची जाती है ना कि भी वो चीज़ निकलेगी वो निकल आती है तो एज पेरेंट्स सानू ये जानना बहुत जरूरी है कि साडा रोल की है। देखो वो जमाना गया एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम ना बदलो ये अलग बात है तुम ना बदलो ये अलग बात है लेकिन जमाना बदल रहा है दुनिया बहुत तेज़ चल रही है दुनिया बहुत तेज़ी के अगे बढ़ रही है बहुत क्रिएटिविटी हो रही है असी अंदाजा लगाई कि असी कि जमाने के कि सदी के सर्वाइव कर रहे हैं कम कर रहे हैं जिस दे एक मिनट के या एक घंटे के बहुत सारे ऐप्स बन रही ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं बहुत सारी क्रिएटिविटी हो रही है और असी अपने बच्चों क्योंकि इन्होंने तो जमाने के नाल चलना है ना तो उन्होंने किमें जोड़ सकते हैं उसे फिक्र के तहत एक मेहनत की जा रही है असी खुद पहले अपने उपर काम करते हैं इस चीज़ के लिए खुद जानने की कोशिश करते हैं बहुत सैशन सानू अटेंड करने पैंदे ने और करते हैं क्योंकि जो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदार मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने जो सानू जिम्मेदारी दिती है एक असी उसनू ऑनेस्टी दे नाल ईमानदारी दे नाल डेडिकेशन दे नाल निभा के इस दुनिया तो चले जाइए ताकि असी जाके उत्थे अपने रब नू अल्लाह नू खुदा नू फेस कर सकीए कह सकीए कि भी असी मेहनत करके आए हां तो उसी वजह दे करके इदां दी चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है और तुहाडे कोल यही उम्मीद है या यही गुजारिश है तुहानू सारयां नू कि भी प्लीज़ जो साडा रोल है असी उसनू समझिए बहुत जरूरी है समझना बहुत जरूरी है जानना। एक बात आई सी मरजीना मैम की स्लाइड दे विच सी से नो कि एक वर्ड हुंदा नो इसका मतलब ये नहीं थे कि भी नो शब्द नू इस्तेमाल कट ही दो नहीं कि भी कई जगह के उपर असी सिर्फ डायरैक्ट नो बोल दिंदे आ किसी काम नू रोकण वास्ते बच्चे डायरैक्ट नो बोल दिंदे आ। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देवां मैं मतलब थोड़े दो चार मिनट लै सकदा होर कोई देखो एक चीज़ की हुंदी है कि भी जदों बच्चा छोटा हुंदा है ना मतलब साल दा डेढ़ साल दो साल फिर बद्दा हुंदा जांदा है ना बच्चा कुछ भी करदा है बाल खिंच दिंदा है ना कोई अलग जी एक्टिविटी करदा है
टीवी चल रहा सामने कुछ गाना चल रहा उसमें देख के थोड़ा जहा उस तरीके एक्शन कर देता है तो सारे की करते होंगे ने यही करते असं सारे दाड़ी करते उसमें एप्रीशिएट करते हैं वाह भी वाह बेटा क्या बात है किसी बाहर उन्हें बोलते हुए देख लिया कॉपी करता है किसी ने उन्हें कोई चीज़ सुटते हुए देख लिया तो चीज़ उस तरीके सुट के दिखाता है वो यानी कि वह चीज़ा बच्चे एप्रीशिएशन मिल रही थी एक टाइम फिर अजिहा आ जाता है कि भी वही बच्चा जदों कुछ करता है जो उसके अंदर पैदा हो गया तो उसमें एप्रीशिएशन की बजाय की हो जाता है रिजैक्शन मिल जाती है वह भी एकदम है ये नहीं करना है बच्चा जड़ा कल तक आके मैं सारिया गल्लां दसदा सी उन्हें ऐं किता वो ऐं हो गया उत्थे ऐवें हो गया इदां हो गया मैं सुनता भी सी क्योंकि छोटा सी एप्रीशिएट करता सी उसनूं कहिंदा भी थी और या कुछ अजिहा करता सी बच्चा तां भी एप्रीशिएट कर रहा सी लेकिन एक टाइम अजिहा आ गया कि बिना उहदे तों इकदम उसनूं रिजैक्शन मिलनी शुरू हो गई तो की हुंदा है तो बच्चा साडे नाल आके गल्लां शेयर करनियां छड्ड देवेगा तो जिहड़ा से नो दी गल थी हालांकि ये बहुत डेप्थ है बहुत गहराई दे नाल चीज़ा समझन वाली ने अगर इस तरीके नाल अपना तालुक बनिया रहा असी एक दूसरे नूं मिलते जुलते रहे तो असी इन्हां चीज़ां नूं जान सकांगे और एक्चुअल दे विच सानूं एहसास होएगा कि असी की कर रहे हैं और सानूं की करना चाहिए है ना कि बहुत सारी चीज़ा होंदियां ने कि बच्चे नूं एक चीज़ कहते कि भी तिन्नेया काम करना नहीं नो कि वी बच्चे नूं ये दसना बनता नहीं है भी क्यों नहीं करना है और साइकोलॉजी जिन्हों कहते ना चाइल्ड साइकोलॉजी की गल करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो मनोविज्ञानी ने जो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने एक गल ये कहनी है बहुत सारी रिसर्च तो बाद निकल के बात आई है कि भी जिहड़ी चीज़ तो तुम बच्चे रोकोगे वो चीज़ कितनी ज़्यादा जाएगा इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं फिर होंगे की है एक बार रोकता बच्चा नहीं रुकया दूसरी बार रोकता बच्चा नहीं रोकया फिर की होंगे तीसरी बार तो ला दी जा है ना लेकिन उसके मन के सवाल है जो उसे सारी जिंदगी उसके नाल जाएगा कि भी क्यों अगर ये चीज़ तो रोकया गया क्यों कि उसमें असं ये नहीं कह सकते कि बेटा ये चीज़ जी है इस करके नहीं करनी हैगी ये अपन नुकसान देगी मान लो मैं एक एग्जाम्पल दिना कि भी साड़ा थोड़ा जहा बच्चा वड्डा हो गया और वो किसी क्लासरूम बच्चे ने और जा रहे हैं इंजॉय करन किसी जगह के उपर मान लो थिएटर हॉल चले गए फिल्म देखने चले गए तो बच्चों के नाल चलिया गया ठीक है और हूँ बच्चे ने आगे गल दसी मैंने डायरेक्ट उस डांटता झपटता या कुछ भी करता कि भी ना आना यह कम नहीं कर देंगे जाना नहीं है कुट पै गई वो कि उसमें यह नहीं दसिया जा सकता सी क्योंकि वो नज़र के चीज़ ठीक है वो दोस्त जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा कुछ करता है समझ रहे हो ना मैं की कह रहा वो फ्रेंड सर्कल वो तो सोच रहे भी वो करते हैं तो यही काम करना चाहिए बच्चा अपनी जगह के उपर सही सोच रहा है कि साडा फर्ज नहीं बनता या सानू इदा नहीं करना चाहिए कि बच्चे ये गल समझा देनी चाहिए है कि भी आह चीज़ इस करके नहीं करनी हैगी इदा का नुकसान हो सकता है या आ टाइम तेरे वास्ते आ काम करन दा सही नहीं है तो मैं उम्मीद करता कि तुसी सारे अज दे सैशन तो जो भी लर्निंग हुई है साड़ी उसनूं नाल लैके जाओगे और बेसिकली इसका जिहड़ा मकसद सी वो यही सी कि बहुत सारिया चीज़ा असीं तुहाडे कोलों जानीए बहुत सारिया चीज़ा तुसी सानू दसो या असीं तुहानू दसीए और जिस जिस जगह के उपर बच्चों के नाल काम करना चाहिए है चाहे वह बिहेवियर है चाहे वह उन्हां दा राइटिंग स्किल है रीडिंग स्किल है तो उन चीज़ों के उपर जिथे दिक्कत आ रही है असी उस जगह के उपर काम करके साड़ी आउटकम ज़्यादा आ जाए बच्चे अच्छे तरीके उसनों सीखन लग जाए समझन लग जाए उन्हां दी लर्निंग जिहड़ी है वह वध जाए बस यही मकसद सी साडा तुसी इत्थे आए जाहिर जी बात है कि सारा टाइम बहुत कीमती है बहुत जरूरी समा हुंदा सारिआं दा लेकिन मैं ये गल कहांगा कि भी साढ़े असी मतलब एक गल करते हैं कि साढ़े बच्चे ने असी उन्हां वास्ते ही सारा कुछ करते फिरते हाँ है ना अगर उन्होंने असी समाज के मुताबिक तैयार करन दे विच कितना कितना असफल रह गए एक साइड असी तां सोच रहे हैं मेहनत पूरी कर रहे हैं कारोबार कर रहे हैं कि भी उन्होंने कोई फाइनैशियली या इदा की कोई चीज़ की दिक्कत ना आए लेकिन जिथे उन्हों की बुनियाद बन रही है एज सर सर जिमें सर ने पहला कहा ज
जिथे बुनियाद बन रही है समाज के ही रहना उन्होंने असी कद कद उन्होंने हथ फड़ के हथ तुरंगे है ना चलना तो उन्होंने आप ही है वोदी हूँ तो लैके अगे तक की सपोर्ट होएगी असी उन्होंने किमें तैयार करा वो अपना सारा ट्रायंगल है तोड़ा भी साथ चाहिए साडा भी साथ चाहिए बच्चा भी होएगा मिलके चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात तो ये उम्मीद है कि जो असं चाहते हाँ साडे बच्चों तैयार करना तो असं उस तरीके बच्चों तैयार कर सकते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसैस की गल की अक्सर असी रिपोर्ट भी तैयार करते रहने हाँ बहुत सारे पेरेंट्स जोड़े ने बहुत हल्का ले लेंगे कि भी ऑनलाइन आदि वर्कशीट आदि चलो गई अज भेजना सी कल देखो साडिया आदत जिमें कहा कि भी मोबाइल चला रहे हैं खुद और बच्चे रोक रहे हैं तो नहीं होएगा बच्चा कहता तुम चला रहे हो मैनू क्यों रोकया जा रहा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होंगे है ना तो इस तरीके सू खुद भी कुछ चीज़ों का पाबंद बनना पेगा इस करके साडे बच्चे भी पाबंद बनने तो तुम सारों गुजारिश है कि भी तुम साढ़े अपना ताल्लुक जरूर बना के रखो और बहुत सारे सुझाव होणगे तुहाडे मन दे विच बहुत सारे सवाल होणगे जो अज नहीं निकले नहीं निकले देखो एक चीज़ है साडी आपस विच ना कोशिश हुंदी है साडी भी खुद ही कंडीशन ही हुई है कि किसी ने कोई गल पुछी भी कोई पुछण वाली गल है या फिर अजिहा मतलब रिजैक्शन अजिही मिलती है की गल्लां मारदा की और मतलब बहुत सारे मन विच सवाल रह गए अज उहदा ही नतीजा है कि भी इत्थों जिहड़े ने मेरे ख्याल च 25-30 सवाल निकल के आने चाहिए सी जो नहीं निकल के आए ये साडी कंडीशनिंग है असी हेठां तो वड्डे हुंदे आने आ ना सानू किसी चीज़ ने रोकिया होया सवाल पुछण तो असी ये चीज़ मन के चलते हैं कि सवाल कोई गलत नहीं हुंदा अगर वह अंदर रह गया फिर गलत हुंदा है फिर उहदा कोई जवाब नहीं मिलेगा अगर सवाल साडे मन च पैदा हुंदा है और मैं उसनू उसका जवाब लभण वास्ते कोशिश करांगा तो उहदे तरीके ही ने कि मैं खुद भी इलम हासिल करांगा किसी नूं पुछांगा जाके किसी दे अगे वो चीज़ रखांगा तो यही है कि भी अपने बच्चों के सवाल भी सुनिए असी भी सवाल करने वाले बनीए अगर तुसी साडे कोल सवाल करोगे असी तुहाडे कोल सवाल करांगे तो एक दूसरे नाल डिस्कशन होएगी गलबात होएगी बच्चों के बिहेवियर नूं बच्चों के लर्निंग प्रोसैस नूं जानने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी तो गुजारिश है तुहानूं कि नैक्सट टाइम जदों भी असी मिलीए तो वह होना चाहिए जिहड़ा डिस्कशन वाला है नै पहला स्टैप तुहाडे नाल इह सी स्पैशली नर्सरी केजी और फस्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से तुसी आए हो सारे साडा पहला स्टैप सी कि असी इस तरीके नाल अपने प्रोसैस के बारे तुहानूं जानू करवाईए दूसरा साडा स्टैप यह होएगा जदों भी होएगा महीने दो महीने तीन महीने बाद एज पर योर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कि तुसी आसानी के नाल खुशी के नाल कदों साडे नाल दोबारा जुड़ सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग की है भी दूसरा साडा एक डिस्कशन वाला होएगा सैशन तो मैं यही उम्मीद करता कि तुसी साडे नाल अपना साथ बना के रखोगे और साडा जिहड़ा असल मकसद है अपने बच्चों नूं लैके चलना अपने बच्चों नूं अज दे टाइम दे मुताबिक समाज दे नाल जोड़ के उस तरीके नाल अगे वधाना उन्हां नूं तैयार करना तो उस दे विच असी कामयाब हो जाइए तो तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने दे लई और जानने दे लई तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मैडम पिंदरपाल जी जिन्होंने पूरा सैशन ऑर्गनाइज़ किया स्पैशली तीनों टीचर्स गजाला मैम मुमताज़ और मरजीना और जिन्होंने पिछले 7-8 दिनों तो लगे हुए थे इस सैशन तैयार करने वास्ते और अज सू लगता हुआ कि सैशन हो गया लेकिन पिछले 7-8 दिनों तो उसू तैयार कर रहे थे रिहर्सल हो रही थी साड़ी डिस्कशन हो रही थी आपस ताकि इस होर अच्छे तरीके असं किमें बना सकते हैं जिमें पहला भी मैंने कहा कि भी इस सैशन का असल मकसद यह है इस तो बाद साढ़े आपसी जो गैप है ना स्कूल दे नाल टीचर्स दे नाल बच्चियां दे नाल उसको खत्म होना चाहिए खत्म नहीं मतलब घटना जरूर चाहिए अगर खत्म नहीं हो सकता घटना जरूर चाहिए तो असी कुछ चीज़ां जरूर सोचिए समझिए आइए जानिए दसीए और सुनिए है ना और सब तो जरूरी अप्लाई करिए अपने ऊपर अप्लाई करांगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात उम्मीद है कि जरूर इंप्रूवमेंट होएगी लास्ट के विच बस मैं यही कहांगा मैं कहांगा नहीं बल्कि मैं इस चीज़ को मनदा कि भी जिहड़ा भी काम असी ऑनेस्टी दे नाल करते हैं डेडिकेशन दे नाल करते हैं ईमानदारी दे नाल करते हैं पूरी लगन दे नाल करते हैं तो अल्लाह ताला उस दे विच बरकत जरूर दिंदे ने इजाफा जरूर करते ने उसे रिजल्ट जरूर आते हैं तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला अपनी इस मेहनत को कबूल फरमान
और जो इसका मकसद है वो सानू हासिल हो जाए तो थोड़े सारे एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी तुम्हें दोबारा बुलाया जाए प्लीज़ जरूर साढ़े नाल जुड़ो, जरूर शामिल होवो और अपने व्यूज जरूर शेयर करो। और इस तरीके मैं तुम्हें एक होर लास्ट में कहूँगा कि भी साडा यूट्यूब के उपर भी चैनल है इस्लामिया हाई स्कूल रोहिड़ा, शायद थोड़े तो कुछ जानते हो कुछ नहीं भी जानते। बेसिकली ये कि बहुत सारी इनफॉर्मेशन स्कूल न रिलेटड बच्चों की वीडियोज़ है, टीचर्स की वीडियो, बहुत सारी चीज़ा आदि ने, ठीक है। तो पता होना चाहिए साढ़े बच्चे कितने जाते हैं, उत्तर चल की रहा, तो वो भी देखते रहा करो, वो भी तुम फीडबैक दे सकते हो, साढ़े को आके भी फीडबैक देख सकते हो ताकि होर इंप्रूवमेंट होंगी रहे। तो सारा एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सलामकुम। इस सैशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस सैशन से जुड़े सैशन को समझा, उम्मीद है कि तुहानू बहुत पसंद आया होगा। बुझी हुई शमा भी जल सकती है, बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों में किश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है, तेरी किस्मत भी बदल सकती है।